इंडिकेटर यूज़ में आता है उसका कलर पर्पल डाई कलर का वो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से निकाला जाता है ओके योर ऑप्शन इज रेड एल्गी लीचन स्पाइरो ब्लू ग्रीन एल्गी सो मैंने यहाँ बी ऑप्शन पे टिक किया है आप चेक कर सकते हैं लाइकन uh, या लीचन इसको पढ़ा जाएगा सो so, ये एक तरह का प्लांट होता है

वो जनरली या तो न्यूट्रल होंगे या एसिडिक नेचर के होते हैं और मेटल ऑक्साइड कुछ एम्फोटरिक नेचर के भी होते हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड जैसे कि अलूमिनियम ऑक्साइड बाकी आपको ये कैसे मिलेंगे मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के मिलेंगे रादर देन फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन पे आप भी देखेंगे तो मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी बेसिक होते हैं और मेटल के कार्बोने कार्बोनेट भी बेसिक होते हैं सो ऑप्शन नंबर डी इज द

पीएच पेपर का जो कलर आया वो ग्रीन आया ओके डाइल्यूट एस लिया रेड कलर में आया डाइल्यूट एन्यूएच बेसिक लिया ब्लू कलर में आया एस्टिक एसिट लिया ऑरेंज में, में बताना है 7? आपको बताना है कि सेवन पीएच वैल्यू किसकी होती है ओके ऑप्शन आपके सामने है एबीसी so, आप चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए भी जैसे आपको सही लगे सो ऑप्शन नंबर वन जो आ, होगा जो कि सेकंड है वो पीएच वैल्यू सेवन नहीं हो सकता क्योंकि एसिड है एसिड की जो पीएच होगी वो, वो किससे सेवन से कम होगी बेसिक भी बेस जो होगा वो पीएच सेवन से ग्रेटर दिखाएगा पीएच वैल्यू है ना और थ्री पे भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी मतलब कि वाटर पीएच पेपर में अगर उसको पीएच पेपर के साथ टर्न किया जाए पीएच पेपर को वाटर में तो वो ग्रीन कलर इंडिकेट करता है तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिट्रिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिट्रिक एसिड क्या हुआ ऑर्गेनिक एसिड है वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है या मिनरल एसिड ओके सिट्रिक एसिड है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि लेमन है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा बेस तो हो नहीं सकता स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस बिल्कुल ऑप्शन में जो बी और सी दिया गया वो सही नहीं हो सकता मिनरल एसिड भी नहीं होगा क्योंकि सिट्रिक एसिड हमें डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है तो इसका करेक्ट आंसर सो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन आपके सामने एंटा एसिड से रिगार्डिंग है एंटा एसिड्स यूज टू ट्रीट इन डाइजेशन इन द स्टमक एंटा एसिड जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है सोडियम सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मैग्नीशियम सल्फेट नहीं हो सकता सोडियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं हो सकता तो ऑप्शन नंबर बी आप देखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है जो कि एसिडिटी को हमारी स्टॉमक के अंदर की जो एसिडिटी है उसको कंट्रोल करता है उसको न्यूट्रलाइज़ करने का काम करता है उनको एंटा एसिड कहते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा हाइड्रोजन एंड रिस्पेक्टिव मेटेलिक सल्फेट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद ठीक है अब देखना है आपको बताना है कि जब मेटल एसिड के साथ या किस एसिड के साथ रिएक्ट करें जिससे कि मेटेलिक का सल्फेट बनता है ओके नेचुरली सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन ए में जो है वो तो आंसर नहीं होगा सोडियम डाइल्यूट डाइल्यूट एच लिखा है बी में ये भी नहीं होगा करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन नंबर सी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट में डालेंगे तो हमें मेटल का ऑक्साइड मेटल uh, के सल्फेट मिलेगा साथ के साथ हाइड्रोजन गैस वहां से होगी और हाइड्रोजन गैस को परखने के लिए पता करने के लिए हम पोप साउंड का यूज करते हैं यूं कहें कि पोप साउंड जहां से निकलती है हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वहां हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटांस इज यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन बोन्स ठीक है हड्डियाँ जहाँ फ्रैक्चर्ड होती है तो कौन सा सब्सटांस यूज में आता है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ये जिप्सम लिखा हुआ ना कैल्शियम सल्फेट टू एच टू ओ जिप्सम का फार्मूला होता है ये तो नहीं होगा एन ए टू सोडियम सल्फेट भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कैल्शियम हाँ हेमीहाइड्रेट ऑप्शन नंबर सी जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं पीओपी का यूज़ करते हैं फ्रैक्चर हड्डियों को जोड़ने का काम करता है एक तरह से सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा ऑप्शन ए सब्सटेंस ए डज नॉट डिसोशिएट कम्प्लीटली इनटू इट्स आयन इन एक्वा सॉल्यूशन इट इज बिटर इन टेस्ट एंड सॉफ्ट इन टेस्ट सो स्टूडेंट्स एट्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा इस सेट का एक एक इस सबस्टांस ए डज not dissociate completely into its ions in इन एक्वा it इट bitter बिटर इन टेस्ट एंड to टू टच एक सब्स्टांस जो कि पूरी तरह से सॉल्यूशन में अपने आयंस में नहीं बदलता आपको ढूंढना है और उसका जो टेस्ट होगा सबस्टांस का वो बिटर होगा और टच करें तो सॉफी टच आपको पता चलेगा फील करेंगे सो ऐसे सब्सटेंस को फाइंड आउट करना है ऑप्शन नंबर ए वीक एसिड नहीं हो सकता एसिड इस तरह की करैक्टराइजेशन नहीं शो करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं होगा बिकॉज बेस होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा रीजन आपके सामने है क्योंकि क्या कहा है क्वेश्चन में वो सब्सटेंस पूरी तरह से अपने आयंस में नहीं बदलता तो ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं ऐसे वीक बेसिस कहा जाता है जो कि पूरी तरह से अपने आयंस में पानी में डालने पर डिजॉल्व नहीं करता है सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर सो लास्ट में सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में रहा रेन वाटर विद ए पी एच लेस देन फाइव पॉइंट सिक्स इज कॉल्ड क्या होते हैं रेन वाटर रेन वाटर या एसिडिक रेन भी कहते हैं क्या उसको बिल्कुल तो उसको आपको फाइंड आउट यही करना था है ना सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फाइव पॉइंट सिक्स अगर एसिड रेन की बात हो तो उसको उसकी जो पीएच होती है फाइव पॉइंट सिक्स होती है आप याद रखेंगे लास्ट so, क्वेश्चन है इस सेट का वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये ऐसे बेसिस जो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी शो करते हैं उनको आपको बताना उनको क्या कहते हैं क्या वो मेटलिक सोल्ड होते हैं एसिडिक ऑक्साइड होते हैं सॉल्ट होते हैं या एल्कलीज होते हैं तो आप देखिएगा आपको ही इसका आंसर बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही तो मैं लिख रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट आंसर एलक्लीज एल्क्ज इसका राइट आंसर होना चाहिए ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं एलकली ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जहाँ जिनके ऐसे यू you नो know, ऐसे जिनमें जो बेस होता है वो सॉलिबिलिटी शो करेगा पानी में डालने पे ओके सो दैट आर बेस एल्कलीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ यार yeah.